ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक के हैं। कुछ हॉर्मोन्स के नाम आपको बताने हैं। पहला प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोकाइनिन। प्रमोट सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन, इसको ग्रोथ हॉर्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन। प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, फलों के पकने को प्रभावित करते हैं, इथिलीन। डिलेज एजिंग, एजिंग को डिले करता है साइटोकाइनिन। कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों के झड़ने को देखता है एब्सिसिक एसिड। कॉजेस स्टेम एलोंगेशन, जिब्रेलिन। यहां पर फोटोट्रोपिज्म दिखाया जा रहा है, जिधर से लाइट आएगा उधर मुड़ेगा। ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को दिखाया गया है, सेरिब्रम को दिखाया गया है, सेरिबेलम को दिखाया गया है, मेडुला को दिखाया गया है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस को दिखाया गया है, क्रैनियम जो ब्रेन के ऊपर का कवर होता है, और मिड ब्रेन को दिखाया गया है। आइडेंटिफाई द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में यहां बात की जा रही है। लिस्ट द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स डी एंड ई, और डी और ई, डी और ई में जो ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन और उसके बारे में बात किया जा रहा है। ये तो सबसे पहले आपका ब्रेन का है, यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन GSH निकालते हैं, अगर ये कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, अगर ये ज्यादा निकलेगा तो जिग्नेटिज्म हो जाएगा। पार्ट बी में थायराइड ग्लैंड है, थायराइड, इससे थायरोक्सिन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसकी कमी अगर होगी तो घेघा हो जाएगा, और इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि भाई आयोडीन वाला सॉल्ट खाना है। सी जो है ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनालिन निकलता है, एड्रिनालिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है। दिल की धड़कनें बढ़ाता है, ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करता है, घबराहट में, डर में, ज्यादा मानसिक उद्वेग हो जाने पर इससे एड्रिनालिन निकलता है। डी जो है वो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की अगर खराबी होगी तो इंसुलिन नहीं निकलेगा, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो डायबिटीज की समस्या होगी, डायबिटीज की समस्या होगी तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। डायबिटीज पे चार्ट बना करके क्वेश्चन दिया जाता है, जिस क्वेश्चन को हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे। यहां पर ग्लैंड ई है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस ह्यूमन फीमेल में नहीं होता है, मेल में है। पेनक्रियाज जो है उसका काम है कि ये इंसुलिन को सीक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन निकालता है, और इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन निकालता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं मेल में, एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। अब ये ब्रेन के पार्ट हैं, ये कहता है द पार्ट दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए सेरिब्रम है, सेरिब्रम वॉलंटरी के लिए सेरिब्रम। द पार्ट दैट कंट्रोल सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग, लार आना और उल्टी आना, उल्टी खांसना, छींकना और ऐसी क्रियाओं को, ऐसी क्रियाओं को रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, हमारे अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, हमारे अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा वो सेरिब्रम होता है। द फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हमारे क्रेनियम जो कपाल है और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये शॉक से बजाता है
और मेनिंजस, मेनिंजस जो है वो क्या है, ब्रेन की कवरिंग है, ये ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है।